इक्कीस रमजान से ये खाना तकसीम करने का काम शुरू था। आज 30 रमजान हो चुके हैं, आज 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 10 दिन तक खाना यहाँ पर बराबर फातिमा नगर में 5 बजे से तकसीम किया जा रहा था। आज लॉकडाउन होके तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं। लॉकडाउन के पहले हरसुल वार्ड नंबर 1 परिसर में फारूक पटेल और मैं यूनुस पटेल की ओर से 2 लाख लीटर पानी इधर यहाँ की आवाम के लिए मुफ्त में दिया गया। जैसे कि लॉकडाउन में रमज़ान का महीना चालू हुआ, इस बाबरकत महीने में फारूक पटेल और मैं और मेरा जो हरसुल का जो हमारा पूरा ग्रुप है, इन्होंने तय किया कि भाई रमज़ान के महीने में इस इलाके में अपना खाना चालू करना है। तो हमने वार्ड नंबर 1 में हरसुल परिसर में रोज़ का 2 क्विंटल खाना चालू किया। जैसे कि यहाँ पे फातिमा नगर है, यासीन नगर है, फुले नगर है, खत्री नगर है, उमर कॉलोनी है, फिज़ा पार्क है, फकीरवाड़ी है, यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा होता है और इस इलाके के जो ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे 5 बजे असर के वक्त आते हैं और ज़रूरतमंद लोग जो यहाँ पे आके खाना रोज ले आते हैं, हम तकसीम करते हैं इन लोगों को। अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में मुझसे ये काम लिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं खुद किस्मत वाला हूँ कि रमज़ान के महीने में अल्लाह ने मेरे से काम लिया है। 2 महीने हुए हैं लॉकडाउन चालू होके। इस हरसुल इलाके में इधर 4 वार्ड होते हैं, तकरीबन 50,000 लोगों की लोकसंख्या इधर है। 4 वार्डों में आज तक भी कोरोना का 1 पेशेंट भी इधर नहीं पाया है। इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ के तमाम जनता को, यहाँ के रहवासियों को, सभी समाज के लोगों को ये मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने जब भी हमने इनको बोला फारूक पटेल मैंने कि लॉकडाउन कैसा पालना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इन्होंने हमारी बात को सुना। यहाँ के हमारे हरसुल पुलिस स्टेशन के जो PI साहब है, इन्होंने भी यहाँ पे आके समझाया। पुलिस डिपार्टमेंट की भी इस इलाके में बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत रही है, डॉक्टर लोगों की भी और मनपा के कर्मचारी ने भी यहाँ पे रोज़ साफ सफाई की। तो इसीलिए सभी आवाम ने इनके हर बात को समझ के लिया और लॉकडाउन का पालन किया बार बार, इसलिए यहाँ पे 1 भी पेशेंट आज तक नहीं पाया है। और आज रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, मैं तमाम इस इलाके के सभी समाज के लोगों को मेरे तरफ से मैं मुबारकबाद दूंगा कल की आने वाली ईद की। और 2 लफ्ज मेरे ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं फारूक पटेल। ये जो यूनुस पटेल ने अभी कहा है कि 2 लाख लीटर रोज़ पानी देना चालू है, असल में हमारा यहाँ पे 3 महीने से बहुत वर्क है दोनों का भी, यूनुस पटेल और मैं। 2 लाख लीटर पानी है, उसके अलावा राशन किट्स है, घर घर राशन है। लेकिन सबसे अच्छा काम हमारे लिए, सबसे अच्छा काम जो लगा, तो ये जो रोज़ का 1.5-2 क्विंटल जो खाना हम रोज़ बना के दे रहे, आज इसका 10वां दिन है। और ये वीडियो बनाने का सबसे अहम मकसद ये है कि भाई हमने आज तक 10 दिन में अब तक वीडियो नहीं बनाए, हम लेना भी नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये बताया कि कल माह रमज़ान मुबारक महीना ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो देने वाले लोग हैं ये खुल के सामने नहीं आ सकेंगे। इसलिए लॉकडाउन तो अभी आगे चलने वाला है, 31 के बाद में भी चल सकता लॉकडाउन। तो ये वीडियो देखने के बाद लोग सामने आए, इसलिए ये वीडियो डालने का मकसद है, नहीं तो हमने आज तक 10 दिन में वीडियो बनाकर नहीं डाला खाने का। और ये काम चालू करने की सबसे ज़्यादा मेहनत यूनुस पटेल की है और मैं यूनुस पटेल के मेहनत को सलाम करता हूँ कि जो पूरे रोज़े रखते हुए भी सुबह में 6 बजे से ये खाने के चक्कर में लग जाते हैं। और इन काम में जो लोगों ने हाथ बटाए, जैसे हमारे शकील भाई सरपंच, अभी माजी नगर सेवक मसरत भी यूनुस पटेल, इस वार्ड के भावी नगर सेवक भी है हमारे नवाज़ भाई, आजिम पठान, इसके बाद में सबसे पहले दिन का खाना घर काजी साहब, दस्तगीर बाबा, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और कल आने वाली ईद की सबको मुबारकबाद देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन किया गया है, इसकी वजह से लोगों को जो दरपेश मसाइल है, इसी के पेश नज़र हमने 18 अप्रैल से अलग अलग एरिया में हमारे हरसूल के अलग अलग दिन अनाज तकसीम करने का काम शुरू किए हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह परसों के दिन तक जारी रहा। परसों के दिन हमारे तरफ से यहाँ पर रियाज पार्क और खैसर पार्क में 500 अनाज के किट तकसीम किए गए। और इसके अलावा हमने सोचे कि और क्या कर सकते, तो हम 21 रमज़ान से 30 रमज़ान तक खाना तकसीम करने का काम शुरू करने का फ़ैसला किए थे। और 21 रमज़ान से ये खाना तकसीम करने का काम शुरू था, आज 30 रमज़ान हो चुके हैं, आज 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। 10 दिन तक खाना यहाँ पर बराबर फ़ातिमा नगर में 5 बजे से तकसीम किया जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसी तरह से भलाई के काम करने की कोशिश करते रहेंगे। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसने इस कार्य खैर को अंजाम देने में ज़ाहरी और बातिनी तौर पर ताउन किया है, अल्लाह ताला उन सभी से राज़ी हो जाए, मुझसे भी राज़ी हो जाए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखें। कल ईद है, ईद के मुक़दस मौके पर मैं तहदिल से आप तमाम नाज़रीन को ईद की मुबारकबाद पेश करती हूं। और एक अपील करना चाहूंगी इस मौके पर कि कल ईद की नमाज़ होगी, उसके बाद हमारे तमाम मुसलमान बहन भाई एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप ईद की नमाज़ के बाद किसी से हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें, घर पर ही अपनी नमाज़ अदा करें ईद की। और अपने ख़ुद सेफ़ रहें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें, क्योंकि कोरोना वायरस की ना तो अब तक कोई दवा बनी है, ना कोई इसका इंजेक्शन बना है। जैसा कि हमें सर्दी बुखार ज़ुकाम होता है तो हम गोली खा के अपनी तबीयत को ठीक कर लेते हैं, लेकिन कोरोना वायरस का कोई अभी तक इंजेक्शन नहीं बना है। इसलिए इसका सिर्फ एक ही इलाज है, सोशल डिस्टेंस, यानी कि सामाजिक दूरी बनाए रखना। तो आप सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने घर पर रहें, सेफ़ रहें, अपनी फैमिली को सेफ़ रखें। और इसी तरह से हम हमारे वार्ड में काम करने की कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।